हेलो एवरीवन, सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने देखा कि अगर जो हमारा क्यू एक्स फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल होता है तो किस तरीके से करना है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो किस तरीके से होगा, और आज हम देखेंगे इफ़ कोई अल्जेब्रिक टर्म आती है तो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी साथ के साथ करके बताऊंगी, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 2m d है ना यहाँ पर, 2m इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके रूट्स निकालना है। 3 डिग्री का है तो पहले हम एक रूट जो है वो हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, बाकी के दोनों रूट्स जो हैं वो सिंथेटिक डिवीजन से होंगे। सो रेंडमली आई कैन ट्राई, या फिर 0 ±1 ±2, तो इन कुछ रूट्स की हेल्प से हम रेंडमली ट्राई करेंगे। अगर मैं 0 पुट करती हूँ सो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसका जो एक रूट होगा वो 0 होगा ही। ठीक है, तो एक वैल्यू जो हमारे पास m की आ गई दैट इज़ 0। 0 की हेल्प से हम सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, स्क्वायर का 3, इसका 2, और कॉन्स्टेंट है ही नहीं तो फिर 0। फर्स्ट रूट यहाँ पर लिखेंगे, दिस विल बी एज इट इज़। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, सो 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 2 प्लस 0 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, दिस इज़ 0। ओके, तो सिंथेटिक डिवीजन हमारा करेक्ट है। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पर 2 डिग्री का जो इक्वेशन बना लेंगे दैट इज़ ये हो जाएगा आपके पास, सपोज करो एक्स स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर भी लिख सकते हो, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। x + 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक एक्स कॉमन लिया तो x + 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, यहाँ से 2 रूट्स आ गए, 1 and -1 and -2। तो -1 and -2 आप m लेकर भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर में किया है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, cf होगा, सारे रूट्स रियल और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, आपस में अलग अलग हैं। सो c1 + c2, यहाँ पर भी e2 हम 0x करेंगे तो उसकी e की पावर 0 1 हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। और ये हो जाएगा आपके पास -x + c3 और e की पावर -2x। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ पर d³ 3d² प्लस में 2d, और जो यहाँ पर हमारा फंक्शन q है x²। तो बेसिकली जब हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आती है तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2D है, ये जो टर्म होगी हम उसको 1 बना देंगे, और उसको बनाने के लिए मैं 1/2D यहाँ पे कॉमन लूँगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2D/2D 1 + 3D² ÷ 2D। सो 1D से कैंसिल, मतलब 3/2D, 3/2D प्लस, अब इसको 2D से डिवाइड करेंगे तो 1D आपका जब सिर्फ कैंसिल होगा, ऊपर सिर्फ बच जाएगा आपके पास d² और नीचे बच जाएगा 2, और रेस्ट बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो हमने क्या करा, 1/2D ये जो टर्म हो गया उसको कॉमन ले लेना है, इसको एज इट इज़ रखना है। अब जो आपके पास ये टर्म बनेगी ना, अगर उसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देती हूँ तो उसकी जो डिग्री 1 है वो क्या हो जाएगी, -1। तो ये हो जाएगा 1 + -1 x². यहाँ पर हमें अपना बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करना होता है। यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया है जस्ट टू गेट कि ये आपका नेक्स्ट टर्म है, लाइक 1 + x⁻¹। अगर यहाँ पर प्लस है तो जो आपके पास साइंस होंगे जब मैं इस बायनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करूँगी तो ऑल्टरनेटिव साइंस होंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता है तो सारे आपके पॉजिटिव साइंस के होंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर -1 है। सेम इसी तरीके से -n के
एन के लिए भी होता है, माइनस एन के लिए भी होता है, सारे एक्सपेंशन हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें अप्लाई करना है वो ये वाला है, 1/2 d विल बी एज इट इज़, इसको अप्लाई करेंगे। सो 1 माइनस, पहला प्लस था, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव साइन विल बी नेगेटिव। जो ये सेकेंड टर्म होती है, जो एक्स होता है वो एज इट इज, देन प्लस माइनस, नेक्स्ट विल बी प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका है 3d/2 प्लस में d, और इसका एक बार इसकी पावर 1 थी, अब इसकी पावर हो जाएगी 2, ओके, देन प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये इसी तरीके से एक्सपेंशन चलती रहेगी। तो हमने डॉट 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 से शो कर दिया और लास्ट टाइम हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। देन हमें सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट 2-3 टर्म्स लिख लेंगे, जैसे कि 1 माइनस, अब यहाँ पर ये 3d/2 और यहाँ पर भी एक 3d/2 है, बट यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो हम जस्ट इस वाले टर्म को ले लेते हैं, बाकी के लिए हम डॉट डॉट से शो कर देंगे। तो ये ए स्क्वायर होगा, मतलब दिस विल बी 9d² / 2, ओके, डिवाइडेड बाई 4, 9d² / 4, ये एक टर्म होगी। तो बेसिकली हमें सिर्फ डी वाली टर्म एक ही मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और जब इसमें आइडेंटिटी लगेगी तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3d/2 उसको एज इट इज लिख देती हूँ मैं, स्क्वायर वाली टर्म एक ये रही, जब यहाँ इसको स्क्वायर करूँगी तो यहाँ से भी मिलेगा, तो d² / 2 ये इस तरीके से, ओके। देन हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 2d² प्लस में 9d², ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्लस है ना, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। तो प्लस माइनस माइनस, 7d² / 4, साइन जो है आपका प्लस का लगेगा। तो नेक्स्ट टर्म में लिख देती हूँ ये, बाकी सबके लिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। तो आपको करना क्या है, ये जो टर्म होगी आपकी एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि आपको d² / d^1 की और कोई टर्म यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने के बाद जो है जो डिग्री होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ होगी, जो इसकी सेकेंड टर्म होगी और इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो आपको सॉल्व करना होगा, और इसको ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो ये आपको जस्ट मैंने आइडिया के लिए बताया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देन 1/2 d एज इट इज़ थोड़ा बहुत यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपस में नहीं, मतलब ब्रैकेट को, इस सारी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3d/2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो d है वो डिफरेंशिएशन होता है इसका, मतलब तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 7/4, और यहाँ पर डी स्क्वायर है मतलब 2 times डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स स्क्वायर का मैं 1 time करूँगी तो मेरे पास 2x आ जाएगा, फिर से करूँगी तो सिर्फ 2 आ जाएगा, और ये हमने इस तरीके से लगा दिया। डॉट नहीं भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं डॉट को, सिंपली यहाँ पर ही भी रख सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर नहीं लिखा। अब आ जाते हैं 1/2 d, ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, ओके, एक्स स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7/2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, देन प्लस 7/2। सो इन द लास्ट स्टेप आप यहाँ पर 1/d देखेंगे, यहाँ पर 1/d जो लिखा हुआ है वो बस हमें और सॉल्व करना रहता है, क्योंकि हम d को एज इट इज नहीं छोड़ सकते। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है, तो जब हम हर इन टर्म्स पे अप्लाई करेंगे तो उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं, 1/d और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो हमें जो फर्स्ट टर्म मिलेगी वो मिलेगी x³/3 माइनस 3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये जगह x² / 2 प्लस 7/2 इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर एक x लग जाएगा, ओके। सो बेसिकली ये हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल है, 1/2 x³/3 माइनस 3 x² / 2 प्लस 7/2 x। अब हमें क्या लिखना है, जर्नल सोल्यूशन लिखना है। वो हमें कैसे मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस ऐड कर दो पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हम y मान लेते हैं, जो हमारा सोल्यूशन मिला है ये वो था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा c1 + c2 e^-x + c3 e^-3
सही, माइनस टू एक्स और प्लस ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 2d एंड वाई इज इक्वल्स टू 12x² माइनस 2x प्लस 4। ओके, सो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं किसकी हेल्प से, ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से। सो दिस विल बी एम क्यूब माइनस 3m² प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। सो क्यूब है, पहला आपको हिडन ट्रायल से पता करना होगा। अगर तीनों टर्म्स में m है तो सिंपली आपको पता है कि पहला जो आपका रूट होगा वो 0 होगा। 0 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते ही, 0 सब्सटीट्यूट करते ही पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। सो m इज इक्वल्स टू 0 पहला। बाकी हम दोनों सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 एंड 2। सर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा c1 प्लस c2 e टू द पावर x, c3 e टू द पावर 2x। नाउ लेट अस कम टू पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड दिस विल बी डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 2d और हमारा जो क्यू फंक्शन है वो है 12x² देन माइनस 2x प्लस में 4। तो आपको ये 12 जो है कांस्टेंट जो बाहर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई करना होगा इन पूरे टर्म्स में। तो मैंने इसको एज इट इज लिखा हुआ है, दिस विल बी 12x² माइनस 24x प्लस में 48। देन जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो टर्म है उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या कैसे हो जाएगा, यहाँ पर तो सिर्फ 2d बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3d/2, यहाँ पे d²/2। ओके, रेस्ट दिस विल बी सेम। नाउ अब हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये जो टर्म अब हमारी होगी वो सेकेंड टर्म होगी। सो 3d/2 इसका साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं अब, और ये हो जाएगा टू द होल पावर -1 और ये वाला फंक्शन एज इट इज। एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे सो 1 माइनस पहली वाली जो टर्म है वो उसको एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर 1 होगी। देन सॉरी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव है तो सारे साइंस अब पॉजिटिव के चलेंगे। 3d/2 माइनस का d² दिस और स्क्वायर और ये टर्म्स ऐसी चलती रहेंगी और ये जो आपका फंक्शन था वो एज इट इज। देन नेक्स्ट 1/2d 1 प्लस ये वाली टर्म एज इट इज बिकॉज डी की पावर 1 और कहीं हमें नहीं मिलेगी। देन इसको सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर लेकर सॉल्व करेंगे क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे होगी। सो माइनस d² / 2 प्लस 9d² / 4। सो सेम वही 4 यहाँ पर माइनस 2d² प्लस में 9d² तो d² यहाँ पर हमें मिलेगा 7/4d² और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज। देन यहाँ पर अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ये जो फंक्शन है, अब इसका रोल यहाँ पर स्टार्ट होगा। पहला जो टर्म है वो 1 है तो इस पूरे ब्रैकेट को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम आ जाएगा, दैट विल बी 12x² माइनस 24x प्लस में 48 था, ठीक है। देन प्लस 3/2 ये मैंने कॉमन ले लिया, डी है अब यहाँ पर मतलब डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये जो टर्म थी वो ये थी ना, ये वाली टर्म थी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 12 एज इट इज और ये करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x। ओके, देन माइनस 24 विल बी एज इट इज, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा 1, उसके बाद 48 है उसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारे पास दूसरी टर्म। देन प्लस 7/4d² है मतलब डबल टाइम डिफरेंशिएशन, 12x² का करेंगे तो 24x आ जाएगा, देन फिर से करेंगे तो 24 बच जाएगा यहाँ पर, इसका करेंगे 24x का सिर्फ 24 फिर से करेंगे तो 0, उसका तो पहली बारी में ही 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ये थर्ड टर्म। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट दिस विल बी 1/2d, यहाँ पर ये एज इट इज रखते हैं अभी, प्लस 3/2 दिस विल बी 24x माइनस 24 और इसको हम सॉल्व कर देंगे 4 6 24 एंड 6 7 42। ओके, तो थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करना है हमें, देखते हैं फिर क्या आंसर आता है।
वन बाय टू डी एज इट इज रख देते हैं, देन ये हो जाएगा आपके पास 12x2, ये भी टर्म एज इट इज लेकर चलते हैं, माइनस का 24x प्लस में 48, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो सो टू से टू कैंसिल, यहाँ पे टू से 24 कैंसिल, दिस विल बी प्लस 3 इंटू में 12x और यहाँ पर फिर से 3 इंटू में 12, ओके देन प्लस 42, 12x2 एज इट इज, बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं मिलेगी, देन इसको और आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो 36 माइनस 24 दिस विल बी प्लस 12x, देन 48, एक ये रहा एक यहाँ पर, और यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी प्लस 54, ओके देन 1/2, इसको हमने अंदर ले लिया, 1/d बाहर रहने देते हैं, तो दिस विल बी 2 6 12, देन 6x, देन 427। नाउ यहाँ पर 1/d जो है वो इंटीग्रेशन के लिए है, तो 6 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, देन 6x² बाई 2 एंड 27x, ओके देन ये हो जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 27x, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस विल बी 3। अब हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो सी एफ था हमारे पास C1 प्लस C2 ई टू द पावर एक्स प्लस C3 ई टू द पावर 2x, एंड यहाँ पर हमारे पास अब आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 2x³ प्लस 3x² 27x। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है, इफ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।